हेलो फ्रेंड्स, ये जो फ़िल्टर देख रहे हैं हम फिटिंग कर रहे हैं, ये सेमी ऑटोमेटिक फ़िल्टर बोलते हैं इसे। ये अभी आएगा नया मार्केट में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आया है। इसमें चालू मोटर में हम इसे फ्लैश करके या इसमें का जो भी फ़िल्टर में का घाने वो निकाल सकते हैं। ऊपर का जो हैंडल है वो बिंगा के अंदर ब्रश में जो भी घान अटकी हुई रहती है स्क्रीन फ़िल्टर में, तो वो निकल जाती है। और डिस्क फिल्टर, ये अभी स्क्रीन फिल्टर है, इसमें ऐसा ही आता है वो डिस्क भी। तो अभी जो हम थ्रेड बिठा रहे हैं, ढाई का पाइप का कनेक्शन है, और ये ढाई का हम रेडियो ये बिठा रहे हैं, उसमें कपलिंग बिठा रहे हैं उसका। तो ये फीमेल में, मेल फीमेल का। तो इसमें आपने थ्रेड पे कभी पानी यूज किया तो काफ़ी आसानी से बैठता है। इस पर पहले आपको पानी छिड़क लेना है जो थ्रेड दिख रहे हैं उस पर, और उसके बाद में ऐसा कपलिंग बिठाएंगे तो जल्दी बैठता है। और छोटे छोटे जो हमने पीस निकाली है 6-6 इंच के, तो ये आपको येल्बो सॉकेट लगेंगे अपने फिल्टर के लिए। तो उसके लिए छोटे छोटे काट लेना है, ज़्यादा बड़े पीस ना काटते हुए, ज़्यादा जगह इन्वेस्ट ना करते हुए इसमें लगा लेंगे। तो पहले धूल मिट्टी साफ़ करके इस पाइप को आप अच्छी तरह से ग्लू लगा के इसमें थोड़ा सा ही, उसमें ज़्यादा पाइप ना काटे अपने हिसाब से, तो थोड़ा पाइप लगा के थोड़ा सा वो आसान हो जाता है। आप देख रहे हैं इसी तरह। तो ये जो ऊपर का हैंडल है वो घुमा के साफ़ हो जाता है, और नीचे वो जो पिंक कलर का फ्लैश वाल दिख रहा है उससे वो पानी निकल जाता है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी ये येल्बो इस जगह पर लगाएंगे हम, दोनों साइड से येल्बो आएंगे हमारे। इससे येल्बो से ये दिखने के इसमें वाटर का भी काफ़ी टाइम बचता है, इसमें जगह एक जगह होने से ये फास्ट इसमें फॉरवर्ड हो जाता है। तो अभी इधर से एल्बो बिठा दिया हमने, और इस साइड से अभी लेफ्ट साइड से बिठाया, अभी राइट साइड से बिठा देंगे। तो ये एल्बो हम इसमें फिट कर दे रहे हैं, अभी ग्लू लगाएंगे। आपको तो और से ज़्यादा ग्लू इसमें यूज नहीं करना है, थोड़ा हिसाब से ग्लू लगाना है। और सिद्धांत देख लेना है आपको कि राइट पोजीशन में आए हैं, राइट डायरेक्शन में है नीचे ऊपर। तो फिर अभी ये जो कास्ता कंपनी का हमने ग्लू यूज किया है ऐसा, ये काफ़ी बेटर रिजल्ट है इसका, और ये 172 में आता है आपको। तो ये अभी हम इसे फिल्टर को माप लेंगे, ज़मीन से ऊपर कितना नाप लेना है, कितना पाइप काटना है। तो अभी हम इसको टी बिठा दे रहे नीचे से, थोड़ा आगे जगह एक्स्ट्रा हमारा उड़ गया था, बच जा रहा था तो जगह, तो इसके लिए हमने टी निकाल के से आगे तक कंटिन्यू करके उधर हमारा वाहन भी चले, ट्रैक्टर वगैरह जो खेत का बांध होता है बांध के ऊपर, तो इसके लिए हमने से टी लगा के थोड़ा पाइप आगे निकाल के टी से ऊपर हम कनेक्शन इनलेट का देंगे इसका। अभी पाइप निकाल ले रहे हैं हम फिल्टर के लिए, जो हमारा खड़ा होगा इसके ऊपर फिल्टर। तो ये पाइप का टुकड़ा है जो थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, और ये छोटा है, इसमें से हम इनलेट देंगे। तो ये इनलेट के लिए हमने छोटा पाइप लिया है, और आउटलेट के लिए बड़ा पाइप लिया है। अभी इसी तरह इसमें टी लगा के बिठा लिया हमने। आप एकदम बांध से लेना चाहते हैं तो आपको टी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमने इसमें टी का यूज किया। और लास्ट में एंड कैप के लिए हमने एक एल्बो लगा दिया है। अभी फिल्टर के लिए टी से कनेक्शन कर रहे हैं, तो इसका फिल्टर का कनेक्शन कर ले रहे हैं। अभी जो पीस बिठा रहे हैं ये थोड़ा बड़ा साइज का है, तो आपको खड़ा करके दिखाएंगे अभी हम। तो इसी तरह ये आएगा, और ये एक साइज़ ये छोटा आएगा, क्योंकि ये ज़मीन में जब जाएगा तो ये छोटा टुकड़ा ज़मीन के ऊपर टिक जाएगा। अभी ये ऊपर से माप ले रहे हैं हम, 6 इंच हमने नीचे पाइपलाइन किया है, खुद काम 6 इंच है हमारा। तो हिसाब से हमने उसमें मार्किंग कर लिया, और वो 6 इंच के हिसाब से इनलेट का जो पाइप है उसको काट लिया। तो इसी तरह इसमें ये इनलेट का पाइप हम बिठा रहे हैं, ये थोड़ा छोटा यूज करेंगे फिल्टर रख के आपके साइज़ के हिसाब से। और इससे हम ये जो येल्बो दे रहे हैं इससे हम स्प्रिंगलर का पाइप लगा के इससे मोटर का पानी इसमें से हमारे स्प्रिंगलर में देंगे।
ये हो गया हमारा इनलेट। तो ये बांध दिख रहा है आपको फिल्टर के ऊपर व्हाइट में, वो इनलेट का होता है, इससे पानी अंदर जाएगा। और ये एक नया जुगाड़ है हमारा इस भिंगरी के क्वार्टर का, हमने इसमें टेकअप ग्रोमेट बिठाने के लिए यूज करना है आपको, इससे काफ़ी आसानी से इसमें टेकअप ग्रोमेट बैठ जाता है। तो इसी तरह आपको इसका यूज करके, और इसमें जो हम नली लगाते हैं तो नली में क्या करना है आपको, गर्म पानी करके लाना है, उबालता हुआ पानी में वो नलियाँ डालना है जो आप ऊपर इसके ऊपर बिठाएंगे तो काफ़ी आसानी से बैठ जाते हैं और आपका टाइम भी वेस्टेज नहीं होता। तो ये देखो, ये फिल्टर हमने इसी तरह फिट किया है, और नीचे का जो ऑरेंज कलर का कॉक दिख रहा है वो फ्लैश चालू चालू में चौकअप होने के बाद में ये जो रेड कलर का ऊपर झक्कन दिख रहा है ये ऊपर आ जाता है, और नीचे का फ्लैश हमको फ्लैश करने के लिए, इसे धोने के लिए नीचे से वो पानी निकाल देना पड़ता है। तो ये जो नलियाँ बिठाई है हमने, एक गर्म पानी करके बिठाई हुई है, तो इससे काफ़ी फास्ट काम होता है। तो आपको गर्म उबलते हुए पानी में जो हम इसमें नली बिठाने वाले हैं टेकअप ग्रोमेट में, इसमें तो वो आपको उसी तरह से लगाना है। तो ये नली हमने उससे गर्म पानी में भिगो के लगाई हुई है, तो काफ़ी फास्ट हो जाता है। और इसी तरह हमने ये नया ऑटो फिल्टर इसमें फिट किया है। तो आप इसे मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फिटिंग के लिए। थैंक यू दोस्तों।